नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा है, सेमीफाइनल जो हो रहा है लोकसभा से पहले, उसमें देश की जनता किस तरफ झुकेगी, किस तरफ जाएगी। खास करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि महिलाओं का रुझान किस तरफ है। राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव की हम पड़ताल जानने के लिए पहुंचे हैं जयपुर, राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर के एक बहुत ही जाने माने रेस्टोरेंट में। और वहां पर बड़ी संख्या में आप हमारे चारों तरफ देखेंगे महिला शक्ति जो है वो मौजूद है। महिलाओं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस चुनाव में महिलाओं का सोच क्या है, वो क्या सोचती हैं, राजनीति के बारे में क्या जानती हैं, ये तमाम पहलू हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, ये बताइए कि आप वोट देने जाती हैं? जी। कितनी बार वोट दिया है आपने? काफी बार वोट दिया है। इस बार आपके जहन में क्या चल रहा है, किसको वोट देंगे? वोट देने से कोई वो तो है नहीं, कोई वो नहीं करता है कि कुछ चीज में अपन डिस्काउंट करे और करे, वो तो कुछ है नहीं। बस वोट लेने से मतलब है, बस हमारे को वोट दे दो, आपको ये करके दिखाएंगे, आपको वो करके दिखाएंगे, दिखाते कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जो महिलाएं हैं वो अक्सर दिवाली से पहले, संक्रांति से पहले, नए साल से पहले डिस्काउंट की बात करती है। उन्होंने भी कहा डिस्काउंट, कैसा डिस्काउंट चाहिए आपको? किस चीज में डिस्काउंट है? हाँ। न खाने में, न पीने में, न परचूनिंग में, काय में भी डिस्काउंट नहीं है। सब चीज महंगी महंगी होती जा रही है, किस चीज में डिस्काउंट दे रहे हैं? अच्छा, तो इस सरकार ने इस बार जो महिला बिल लेकर आए हैं उससे आप लोगों की ताकत बढ़ेगी? ताकत तो बढ़ेगी, पर अगले वाले गरीब लोगों के लिए तो होना चाहिए ना कुछ। भाई गरीबों को तो देखो, वो अपना कैसे काम चलाती है, कैसे क्या करती है, उनको तो सोचो आप। जो प्याज थे आज कहाँ तक ही कहाँ पहुँच गए, टमाटर थे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो वो क्या खाएंगे? तो किसको वोट देंगी फिर आप, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही राज्य में और केंद्र में अलग? हम बिल्कुल ये कर रखा है किसी को भी वोट मत दो। अच्छा, तो क्या आप जानती हैं कि किसी को भी वोट नहीं देना हो तो कहाँ हाथ लगाना चाहिए? जिसको हाथ लगाना चाहिए जहाँ पब्लिक को समझे। नहीं, एक नोटा होता है, नोटा जहाँ पर आप किसी को वोट नहीं देते, उसका प्रयोग करेंगे इस बार? प्रयोग तो क्या करेंगे, जो जनता जाएगी वो हम जाएंगे। नोटा का प्रयोग क्या है दरअसल ये मालूम नहीं है कुछ महिलाओं को, लेकिन वो चाहती हैं कि वोट किसी को ना दें, ताकि जो नाराजगी है सरकारों से, राजनीतिक दलों से कुछ नहीं करने की जो एक आक्रोश है वो निकल जरूर रहा है महिलाओं के। आप क्या करती हैं? मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, टीचर हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आप एजुकेशनिस्ट हैं। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाती हैं, कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाती हैं? मैं स्कूल में मैनेजमेंट में हूँ, मैनेजमेंट देखती हूँ, स्कूल मैनेजमेंट। ओके, तो आपके स्कूल में फीमेल स्टाफ भी बहुत होगा? यस, मदर टीचर्स हैं, काफ़ी फीमेल स्टाफ है। तो क्या सोचती हैं वो चुनाव को लेकर? चुनाव करना अभी वैसे भी मतदाता लोकतंत्र का हम कह सकते हैं आधार है, तो मतदान तो करना चाहिए। बट मतदान जो भी करे, जहाँ पे आपको मतलब कोई आकर्षण नहीं देख करके आप वहाँ मतदान करें जहाँ पे आपको लगता है कि देश प्रगति करेगा, देश उन्नति करेगा, जो देश को विकास पे ले जा सके उसी को मतदान दिया जाए। तो देश को प्रगति पर, प्रदेश को प्रगति पर, क्योंकि चुनाव तो प्रदेश में है। अब यहाँ पर कौन सी सरकार बननी चाहिए जो आप लोगों की, महिलाओं की बात को सुनती है? यहाँ पर सरकार के लिए सभी का अपना अपना वो है कि हम मतलब आंकलन करने के लिए उनको अपना अपना क्षेत्र है कि हम किस हिसाब से उनको चुनाव करें। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के साथ क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या अच्छा किया और कांग्रेस की इस वक्त की जो सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएँ हैं, उनका आपको कोई फ़ायदा लगता है? फ़ायदा है, पर जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे कि मोदी सरकार ने इस बार राम मंदिर को लेकर के देश को एक नया आयाम दिया है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। ओके, आज हम दरअसल एक रेस्टोरों में इसलिए पहुँचे क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं वो मिलते हैं, और ख़ास करके जो रेस्टोरों में जो आने वाली जनरेशन है घर से छोड़कर, वो यहाँ आकर
अपना समय दे रही है तो उनके पास इसका मतलब समय है। कितना समय है नई पीढ़ी के पास रेस्टोरों में समय निकालने के लिए? अभी मेरे एग्जाम्स ही खत्म हुए हैं तो 20 दिन तो है मेरे पास पूरे मजे करने के लिए। अच्छा, तो मजे 20 दिन जब आप करेंगी, इस बीच में प्रदेश में चुनाव भी होंगे, आपको मालूम है? हाँ, मुझे पूरा अवेयर है कि चुनाव होने वाले हैं और मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं बात भी करती हूँ अपने दोस्तों से कि भाई किसको वोट दे रहे हो, बट डिस्क्लोज भी नहीं करते बहुत सारे लोग। तो आप क्या करती हैं? मैं सीए कर रही हूँ। आप सीए कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए और आप यहाँ पर किसको वोट देने जा रही हैं? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ डिस्क्लोज करने में कि मैं किसको वोट दूंगी, बट हाँ, एक ऐसी गवर्नमेंट जो आने वाले 10 साल में इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाए, यू नो, जो अभी ग्रोथ चल रही है वैसी अगर ग्रोथ चलती रहे एज पर द वर्ल्ड, इंडिया विल बी द ग्रेटेस्ट अगर इसी ग्रोथ से चलती रहे। तो ये जो ग्रोथ चल रही है वही चलती रहे, बस यही मेरी। यानी कि आप बड़ी इंटेलिजेंट हैं कि आप अपने वोट की सीक्रेसी को बनाए रखना चाहती हैं, डेमोक्रेसी की ये ताकत भी है, ये अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि आपने कहा देश को आगे ले जाएं, लेकिन अभी तो चुनाव प्रदेश के हैं, यानी स्टेट इलेक्शन है, स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है और सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, दोनों का एक ही पार्टी का होने से कोई फ़र्क पड़ता है? मे बी डिसीजंस बेटर, मतलब इजी लेना हो एंड ऑल फर्दर हेल्प में, लेकिन इफ़ दोनों अग्री करेंगे तो ऑब्वियसली, इफ़ दोनों सेम पार्टी के होंगे तो मे बी मोर अग्रीमेंट विल बी देयर, तो फर्दर डिसीजन मेकिंग एंड उनका होना, मतलब होना बेटर हो। वोट देने से पहले क्या सोचते हैं आप लोग? वो सब अपना अपना सोचते हैं, लाइक अभी तक आई हैवंट वोट, तो दिस वुड बी माय फर्स्ट टाइम, तो आई डोंट नो व्हाट। तो फर्स्ट वोट तो बहुत एक्साइटिंग होता है कि मतलब आप जब देंगी तो आप बहुत कुछ सोचेंगी कि आप जिनको वोट देने चाह रही हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? भाई डेवलपमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली फॉर यूथ, बिकॉज राइट नाउ तो दैट्स दैट मोस्ट थिंग। तो अपॉर्चुनिटीज युवाओं को मिलनी चाहिए, ये युवाओं को लगता है। हमारे साथ युवा पीढ़ी की बहुत सारी नई जनरेशन जो है, यूथ जो है, और ख़ास करके महिलाएं, आपको मालूम है महिला आरक्षण इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है उससे इस इलेक्शन पर आप कोई असर देखती हैं? लाइक डेफिनेटली, अगर कुछ भी होता है फॉर वट एवर कैटेगरी, अब महिला के लिए हो रहा है तो दैट इज़ समवॉट एम्पावरिंग देम, तो अगर ऐसा उनको कोई बेनिफिट दिखेगा तो फर्दर दे विल बी इंटरेस्टेड कि हाँ, मतलब वी शुड बी सेइंग समथिंग, हैविंग अ राइट टू से, एंड वोट करेंगी ताकि फर्दर और उनकी वॉइसेस, मतलब पीपल विल हियर व्हाट दे वांट रियली टू से, तो दैट विल ऑब्वियसली अफेक्ट, क्योंकि अवेयरनेस भी आती है इससे तो और बेटरमेंट उससे फिर दिखता ही है। क्या होगा वेमेन कैंडिडेट अगर बढ़ते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो सबसे पहले तो फ़ायदा तो होगा ही, फॉर इट विल बी लाइक कि जो रियल प्रॉब्लम है इन केस ऑफ वुमेन आल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी उसकी द पर्सन अवेयरनेस जो है उसकी, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प, तो एंड द रेशियो विल बी इक्वल, तो इक्वल वॉइसेस विल बी देयर फॉर ईच कैटेगरी, इट्स नॉट जस्ट वुमेन एंड मैन, all the categories and all those that we are now, ki bhai secular hai apna country, apna state, so everyone should have their stand. Okay, so युवाओं को लगता है कि महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी, तो वो संख्या जो बढ़ी हुई है उससे महिलाओं के issues को resolve करने में, उनके rights को voice देने में, वो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा योगदान दे पाएंगी। बड़ी संख्या में महिलाओं से हम यहाँ पर और भी बात करेंगे। हमारे साथ इस जगह पर अलग अलग एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनसे हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका और क्या भागीदारी होने जा रही है।